हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का पब्लिक एग्जाम इस बार देने वाले हो जो आपका मार्च और अप्रैल में होने वाला है, तो आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स का डेट शीट आ गया है और आपने प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट शीट देख भी लिया होगा जिसमें आप लोग को शेड्यूल दिया गया होगा कि 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल पेपर है। तो आप लोग को किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अपियर होने से पहले, आपके हॉल टिकट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स के कब आ रहे हैं, उन सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो एनआईएस का प्रैक्टिकल एग्जाम है 2023 पब्लिक एग्जाम्स का, वो 16 मार्च से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि एनआईएस जो है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है वो किसी सेकेंडरी स्कूल में कराता है, मतलब जो भी आप लोग के आसपास जो आपको असाइंड होते हैं सेंटर्स वहाँ पे एग्जाम्स कराते हैं, तो उनके रेगुलर स्टूडेंट्स भी हुआ करते हैं, तो इसीलिए जो आप लोग के प्रैक्टिकल का डेट जो मिलता है वो किसी ड्यूरेशन के बीच रहता है। मान लो फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है या आपका जियोग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम्स है या पेंडिंग का है, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे तो आपको बताया जाता है कि 16 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। ये इस वजह से होता है क्योंकि रेगुलर स्कूल जो है वो कब अपने उनके पास टाइम है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराने का, उसके हिसाब से वो आपको डेट शीट देते हैं। तो आगे जानेंगे कि आप लोग को कैसे एग्जैक्ट डेट्स आपको पता चलेगा। सबसे पहला चीज़ जो आपको प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अपियर होने से पहले वो ये है कि आपका फाइल कंप्लीट होना चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल तो बनता ही बनता है, तो आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपका अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पेंटिंग हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर्स का हो गया, तो ये सबके प्रैक्टिकल फाइल्स क्रिएट होते हैं और आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल पहले से ही बना लेना है। उसके साथ साथ आपको जो भी एक्सपेरिमेंट होना है केमिस्ट्री का हो गया या फिजिक्स का हो गया या कोई और भी एक्टिविटीज़ है मैथमेटिक्स का, तो वो जो क्लास 10th स्टूडेंट्स के मैथ्स का एक्टिविटीज़ होते हैं तो वो एक्टिविटीज़ आप लोग को पहले से ही प्लान करके रखना है। मतलब उनके थोड़े से प्रिपरेशंस कर लोगे, रीड आउट कर लोगे कैसे अगर एग्जाम्स में आता है तो हम लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पे दूसरों के भरोसे जाओगे कि वहाँ पे एग्जामिनर आपको थोड़ा सपोर्ट दे देगा या नोटबुक दे देगा जिसमें से आप देख देख के कॉपी कर पाओगे, ये सब चीज़ों के भरोसे नहीं रहना। अपना थोड़ा सा जो है टाइम निकाल के इन सब चीज़ों को रीड आउट कर लेना। एक और चीज़ होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड भी आप फोटोकॉपी ले सकते हो आधार कार्ड का। ये तीन डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जब जाते हो आप। तो और एक और चीज़ रहता है कि आपको जो सेंटर है, जो भी सेंटर आपको हॉल टिकट जब रिलीज होगा तो उसमें जो सेंटर लिखा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, उस सेंटर पे एक दिन पहले दो दिन पहले जाके जिस दिन से आपका स्केड्यूल हो रहा है वहाँ जाके और आपके एग्जैक्ट एग्जाम का जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्स का डेट होता है वो सेंटर वाले आपको बताते हैं। वो सेंटर का जो एग्जैक्ट एग्जाम डेट है वो आपको लेके आना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स किस डेट को हो रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको सेंटर पर विजिट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको 14th से लेके 20th तक कह दिया कि इसके बीच में कहीं प्रैक्टिकल होना है, तो किसी भी दिन नहीं हो सकता, वो किसी एक पर्टिकुलर दिन होता है और वो आपको पता करना पड़ता है सेंटर जाके कि किस दिन मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स इस सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, अगर आपने छोड़ दिया तो वो अपना मार्क्स का लिस्ट भेज देंगे आके और फिर आपका प्रैक्टिकल छूट जाएगा और एबसेंट हो जाएगा जिससे कि आपका साल खराब हो जाएगा। एक और चीज़ होना है, प्रैक्टिकल का जो टाइम आपको बताया जाता है तो बी ऑन द टाइम आपको उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा सेंटर में, और प्रैक्टिकल से नोटबुक जो दी जाती है जिसमें आपको आंसर शीट लिखने पड़ते हैं, जो आंसर्स लिखते हैं 2-3 आपको प्रैक्टिकल्स की एक्टिविटीज़ देते हैं वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो उसमें से जो आपका जो है 2 आपको बोलते हैं लिखने के लिए, 3 दे दिया अगर एक्सपेरिमेंट उसमें से 2 आपको बोल दिया लिखने के लिए, तो उसके बाद से उस नोटबुक पे आपको अपने डिटेल्स भी लिखने पड़ते हैं, इनरोलमेंट नाम और भी डिटेल्स सब्जेक्ट्स वाइज कोर्स वगैरह, तो वो सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से रखना क्योंकि अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपका रिजल्ट जो है ठीक से डिक्लेयर नहीं हो पाएगा और फिर वेटिंग में चला जाता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स करना पड़ता है वापस से रीचेकिंग वगैरह करने का या दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं आपका हॉल टिकट का बात है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो हॉल टिकट एनआईएस वाला रिलीज करने वाला है वो मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज करेगा। आपको अपना जो हॉल टिकट डाउनलोड करना है वो डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हो। आगे हम लोग बता भी देंगे कि कैसे आपको एक्जैक्टली आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड करना है और भी जो आगे चीज़ें बचे रहेंगे वो सब चीज़ें भी हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, एक और चीज़ होता है कि आपको एक्सपेरिमेंट जो फाइल्स आप बना रहे हो वो कैसे बनाना है, तो प्रैक्टिकल का जो भी आपका प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी फाइल्स जो होते हैं नोटबुक आता है प्रैक्टिकल नोटबुक, उसमें बना सकते हो। कुछ सेंटर डिमांड करते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा वो बनाना पड़ेगा, फाइल्स बनाना पड़ेगा, लाइक आप प्रोजेक्ट्स कह सकते हो, तो पेंटिंग का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हो, तो वो आपके सेंटर वाले से जाके गाइड ले सकते हो। इस समय पे पीसीपी क्लासेस बहुत सारे सेंटर्स कंडक्ट करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके अब इस पीसीपी क्लासेस के बारे में
जान सकते हो उनसे, और थोड़ा सा स्पेसिफिक के मार्क्स भी होते हैं, वो मार्क्स इंटरनली आपको मिल जाएंगे। तो एक बार जाके कनेक्ट जरूर कर लेना अपने सेंटर से कि आपके स्पेसिफिक क्लासेस कब से कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपका जो है एग्जाम्स होगा। एक और चीज़ होता है, आपका वाइवा होगा तो वाइवा के लिए आपको प्रिपेयर रहना। अब वाइवा किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वाइवाज के लिए जो आपका मेन एग्जाम होता है ना, उसमें जिस तरीके के चैप्टर्स आते हैं वही चीज़ यहाँ पे रहता है। तो जो वाइवा आपका होता है वो बेस्ड ऑन द फेमस टॉपिक्स, जैसे टीचर्स को कोई लिस्ट नहीं रहता कि आपसे कुछ पूछ ले, या तो वो आपके एक्सपेरिमेंट से पूछ लेगा कि अच्छा ठीक है आपने ये टाइट्रेशन किया हुआ है, या आपने ये सॉल्ट्स बनाया हुआ है, या कोई रेडिकल्स फाइंड आउट किया हुआ है, तो ये कैसे किया है, या ये कौन सा रेडिकल्स है, इसका कलर क्या है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, ज़्यादातर टाइम इंटरेस्टेड टीचर्स इसमें होते हैं कि आपसे कोई एटॉमिक नंबर पूछ लिया कि ये अगर आपका कोई कंपाउंड्स है तो इसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं, या क्या बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में होता है। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए अगर बात करते हैं तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या होता है, ये सब तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, लाइक कई बार पूछ सकते हैं कि आप कोई फोर्स के बारे में पूछ लिया, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है तो उसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज आपसे पूछ लिया, तो जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में आप सीख के जाओगे तो बहुत ही आसान रहेगा आपको वाइवा में टैकल करेंगे। आप एग्जामिनर को खुश करना पड़ेगा सो डेट कि वो आपको पूरा पूरा मार्क्स दे। हम लोग आप लोग को चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट होते हैं वो आप लोग को हर एक सब्जेक्ट्स के लिए प्रोवाइड कर देंगे, जो कि वाइवाज के लिए आप लोग के इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी जो है डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड आपको टाइमली करते रहेंगे। इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर किसी तरीके के डाउट्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, या कुछ और भी चीज़ें चाहिए, तो आप जो है सिंपली डून विनर पे जाओगे, doonwinner.in पे, वहाँ से भी चीज़ें मिल जाएगा। अगर इनकेस नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है वहाँ पे हम लोग आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। होप इंडियन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।